धान खरीद को लेकर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र में धान के तोल की गति धीमी होने से खरीद भी सुस्त रफ्तार से हो रही है। एक तरफ धान तोल के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र प्रभारी अपनी समस्याओं का रोना रोने में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि वे लोग अपने धान की तोल के लिए क्रय केंद्रों का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। हर बार उनको भूखे प्यासे कई दिनों तक धान क्रय केंद्र पर पड़े रहना पड़ता है। हर जगह किसान धान की ट्रोलियां लिए लाइन लगाए खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ऐसा ही एक मामला तहसील तिलड़ क्षेत्र के राजकीय क्रय केंद्र परेचा में देखने को मिला, जहां गांव किरगिचा निवासी दिनेश पाल अपने धान को तुलवाने के लिए 8 दिन से भयानक सर्दी में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए दिनेश पाल ने बताया कि केंद्र प्रभारी की मनमानी के चलते 8 दिन से उनके धान की तोल नहीं हुई। यही नहीं, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र भाजपा के माफियाओं को दिए गए हैं। यहाँ आप क्या करते हैं सेंटर पे? चौकीदारी करते हैं। अच्छा, ये क्या बजे यहाँ तोल चालू होती है? 9 बजे चालू हो जाती है भैया। 9:30 तो बज चुके हैं इस समय। अब सुनो, अगर भेड़ बकरम देर हो यार होई तो थोड़ी देर। अच्छा, ये यहाँ पे किसानों के धान पड़े हुए हैं। ये लोग किसान कह रहे हैं कि हमारा धान नहीं तोला जा रहा, क्या बात है? ये धान तोला इनका 22 बजे था। समस्या जो है, बरेचा के केंद्र पर 8 दिन से हमारा धान आया। मैडम ने जो सेंटर प्रभारी है, वाउचर भी चेक किया, उसके अलावा धान भी सुखाया, आज तक अभी तुला नहीं। और जितने भी सेंटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के सेंटर हैं, काश्तकार हनन हो रहा, जास्ती हो रही, अपमान हो रहा। अगर अच्छा धान है वो भी नहीं तुल रहा, काश्तकार कह दिया तुम्हारा रिजेक्ट है। जिला अधिकारी महोदय का, ADM साहब का, उन्होंने कही तोल होगी, आज तक धान नहीं तुला। तहसीलदार साहब से भी बात हुई, आदमी अपनी जान दे देगा, धान नहीं तुलेंगे, आत्मदाह करने घूम रहा। ये सरकार की नीतियाँ हैं, इन नीतियों से पूरा काश्तकार परेशान है।